आ गया बूढ़ा आ गया, अब मैं जाता हूँ और झंडे गाड़ के आता हूँ। एक मिनट, ब्रेक मार। तू क्या गुल खिलाने वाला है हमें पहले ही बता दे। हाँ, पहले मैं वहाँ जाऊंगा और फिर जानबूझकर हल्के से बूढ़े से टकराऊंगा और फिर मैं पलट के देखूंगा। अरे आप राहुल के दादाजी तो नहीं है? इस पैतरे से अगर बूढ़ा नहीं गिरा तो मेरी कदकाठी और कम कर देना। अब इससे ज्यादा क्या कम होगा। और तू संभाला, ऋतु के मामले में अपनी बड़ी पनवती लगी है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा, देखते जाओ कैसे विकेट गिरा के आता हूँ मैं। अरे कहाँ से जाएगा। अबे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? जी मैं अभी उठा देता हूँ। अभी उठा देता हूँ। आंखें फूटी है क्या? ये सब चीप हो रही दवाई। बेटी बात सुनो, देखो मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छोड़ने की। अबे भागो, भालू को निकालो जल्दी। मजा आ रहा है ना? पीट अपने ढोल और पीट, फट गया ना? हाँ, क्यों ना चढ़े, उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। साला इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे छोड़ दो। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वैसा हो गया ना अभी। निकाल निकाल। अरे बूढ़े के साथ दोस्ती करना बच्चों का खेल है क्या? अरे क्या तुम लोग, उसने अपना जो खून बहाया उसमें तुम लोग पानी फेरे। तू फिक्र मत कर, तेरा खून जरूर रंग लाएगा। खून भरी मांग, ये शगुन है वो तेरी होने वाली है। तब तो दो चार टुकड़ा और घुसेड़ दो पेट में, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। हाय रे, देख तुझे मिर्ची ने अंधा किया। हाँ हाँ। तुझे आग ने जलाया और तुझे काश ने फोड़ा। सही है भाई, मतलब तीन टपके। अब एक ही रास्ता है। क्या क्या? मुझे लगता है। क्या बता भाई बता, मुझे लगता है कि यहाँ। अबे क्या लगता है? तुम लोग उसे भूल जाओ। क्या? हाँ अच्छा, अबे दादाजी, अरे हे भगवान, ये क्या हुआ? आप ठीक है दादाजी? ये कैसे हुआ? अरे एक लड़के ने जानबूझकर मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं सड़क पर केले के छिलके की तरह लेट गया। पूरी टोली थी रामी के साथ, मुझे अंडा समझकर फेंट रहे थे। कौन थे वो लोग? और कौन होंगे, उन्हीं चंडालों में से होंगे। जब मैं कह रही थी तो सपना कह के चिढ़ा रहे थे, अब खुद की आग जली तो यकीन हुआ ना? मैं कहती हूँ अभी के अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। चायला एक काम कीजिए, आप अंदर चलिए, जरा आराम से बैठिए और मेरे को उस लड़के का हुलिया बताइए। लड़के का हुलिया? लड़का नहीं, खच्चर था, खच्चर। एक गिलास पानी लाओ। अभी लाइए। चेहरा ऐसा भीषण कि जिंदगी तो क्या नींद में भी कभी नहीं देखा। और कद उसका चेहरा देखना हो तो नाटे को भी नीचे झुकना पड़े। मगरमच्छ जैसी आंखें, गोंद से चिपचिपे बाल, नाक था के पिचका हुआ टमाटर याद नहीं, लेकिन होंठ उधेड़ कर जब दांत बाहर निकालता है तो बेवकूफ से बेवकूफ गधा भी सियाना लगे। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ताजुब की बात है चायला, मुझे भी कब से ऐसे ही एक आदमी की तलाश है। मैं चारों तरफ उसकी खोज शुरू कर देता हूँ, पकड़ में आया ना तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप जरा चौकन्ने रहिए।